ठीक है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। अरे काहे का बढ़िया, सोचे थे 11th है, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, मामा के घर जाएंगे, सारे मेहनत सारे सपनों पे पानी फिर गया। ठीक है, तो चलिए, कोई नहीं, समय खराब चल रहा है, अभी मामा के घर बाद में चले जाइएगा, पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें क्लास 11th केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे, 3 वीडियो देख लिए थे, और ये हमारा चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 04। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान सुनिए। इसमें हम लोग एटॉमिक मास के बारे में देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने टर्म सुना होगा, लेकिन शायद आपको ना पता हो क्या होता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सुनेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि बहुत एक अच्छा टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिसके ऊपर बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको देखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और उसके बाद फिर मास, परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखेंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग हमें जानते होंगे, हमारा नाम शशांक वाजपेयी है और हम अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बारे में क्या बताया गया है, इसे मेजर्ड विद स्पेशल टेक्निक कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक स्पेशल टेक्निक होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास को मेजर करते हैं। किसी भी एटम का मास मेजर करना एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटम बहुत छोटा है और उसका मास तो और कम होगा। ठीक है, उसका मास बहुत कम होता है, क्योंकि बताया था डाल्टन ने, हमें बता दिया था एटम क्या होता है, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, मतलब उसे हम और फर्दर स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाते, और उसका मास निकालना कितना बड़ा काम है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास जो पता किया, ये बहुत बड़ा कार्य था। ठीक है, तो क्या बताया जाता है, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से उस टेक्निक से हम मेजर करते हैं। हाउ एवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक इज बेस्ड ऑन C12। लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम है वो किस पर आधारित है, वो आधारित है कार्बन 12 के एक आइसोटोप से। कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया है, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि इज बेस्ड ऑन कार्बन 12, हियर C12 इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन का ये C12 क्या है, कार्बन का आइसोटोप है, एज रिप्रेजेंटेड है C12। ठीक है, असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 AMU, और इसको मास क्या दिया गया है, इसका मास 12 AMU बताया गया है, 12 AMU बताया गया है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास 12 AMU बताया गया है। उसके बाद बताया गया, 1 AMU में 1/12 मास ऑफ कार्बन, 12 एटम होते हैं, 1 AMU में 1/12 मास ऑफ कार्बन, क्योंकि मास, इसका मास बताया गया है 12 AMU, और 1 AMU का क्या होगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी बताया गया, 1 AMU का मास होता है 1.6066056 × 10⁻²⁴ ग्राम, या मास ऑफ हाइड्रोजन भी लगभग लगभग मिलता है। बताया गया है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन के एटम का मास बताया गया है 1.6736 × 10⁻²। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ AMU, अगर हम AMU के टर्म में बात करें, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई चीज किलोग्राम में दी गई है, उसे ग्राम में निकालना है, तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमें बताया गया इसमें क्या करना है, कैसे करना है, सुनिए। इसमें हमें किसी भी चीज को AMU में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें जो टोटल मास पता है, अगर उसे 1 AMU से डिवाइड कर दें, अगर हमें टोटल मास पता है, और एक अगर हमें मान लीजिए पता है 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं, 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं, और हमसे कोई कह दे कि इसे आप किलोग्राम में निकालिए, 5000 ग्राम दे दिया और कहा इसे किलोग्राम में निकालिए, तो हम पहले देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000, तो 5000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 5, मतलब 5 किलोग्राम वहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमने किया। हमें AMU में चीज बतानी थी, तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि 1 AMU में कितना आता है, 1 AMU बराबर कितना होता है, उसको रखा और टोटल यूनिट को रखा, तो हमें मिल गया 1.0078 AMU। ठीक है,
AMU एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन AMU को अब रिप्लेस कर दिया गया है। टुडे AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U, यूनिफाइड मास। U से अब हम AMU को नहीं यूज करते, अब हम U को यूज करते हैं, यूनिफाइड मास जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मॉलिकुलर मास के बारे में बताया गया, तो आप लोग बहुत अच्छा जानते होंगे मॉलिकुलर मास क्या होता है। अब बताइए मॉलिकुलर मास क्या होता है। मॉलिकुलर मास कुछ नहीं होता, बस एक कंपाउंड को हमने लिया, उसमें देख लिया कौन कौन से एलिमेंट है, और हर एलिमेंट के कितने एटम है, उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, जो आंसर आया वही हमारा क्या हो गया, मॉलिकुलर मास हो गया। ठीक है, जैसे CH4 एक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन के जब हमने चार आइटम मिला दिए, अब इसका हमको मॉलिकुलर मास चाहिए, तो कार्बन का मॉलिकुलर मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर के दो गुना मॉलिकुलर मास होता है इसका। ठीक, तो 6 × 12 = 12 इसका एटॉमिक मास हो गया, और ये चार हाइड्रोजन, सबका मास कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 4 × 4 = 1, तो ये हमें 16 U मिल जाता है, यूनिफाइड मास। इसी तरह हमने जब H2O कंपाउंड है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो हमने इसको निकाला 2 × 1 + 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा और एटॉमिक वेट कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाता है, यहां से हमें मिल जाता है 18 U। ठीक है, उसके बाद फिर हमें एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है, तो इसमें कंपटीशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, IIT JEE में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या बताया गया, 1 mole इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल एज देयर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब हमने C12 का आइसोटोप ले लिया, कितना ले लिया, 12 ग्राम ले लिया। पहली बार C12 का एटम लिया, कितना लिया, 12 ग्राम लिया, 12 ग्राम मान लीजिए इतना हुआ, तो हमने देख लिया कि इसमें कितने आइटम है, तो हमें पता चला कि इसमें कितने आइटम है, 6.022 × 10³³ आइटम्स है इसमें, कितने आइटम्स है, 6.022 × 10³³ आइटम्स है। तो हमने क्या कह दिया, हमने इसे कहा कि इसको हमने एक कॉन्स्टेंट नाम दे दिया, इसको मतलब हमने कह दिया कि आप एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट है, और इसकी इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम NA से डिनोट करते हैं। एक मोल में 6.022 × 10⁻²⁰⁰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 
बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। 10^23 एटम्स होते हैं, ठीक है। अब मोल आपको पता होगा, मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। देखिए मोल्स जो होते हैं, मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको किसी भी चीज का, किसी भी चीज में देखने हैं कितने एटम्स हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया तैयार हो गया कि आपको बता दिया गया कि किसी कंपाउंड में आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, तो आप एटम्स कैसे बताएंगे। आपको तो पता है कि एक मोल में 6.022×10³ एटम्स होते हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, उसमें आपको मास और मोलर मास दिया गया होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो मास को मोलर मास से जब डिवाइड कर देंगे, मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल्स मिल जाएगा, और फिर जितने मोल्स हैं, जितने मोल्स आएंगे उनको आप 6.022×10³ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बताया गया 1 mole = 6.022×10³ एटम्स है मॉलिक्यूल। उसके बाद फिर बताया गया, एक नोट आपको बताया गया, द मास ऑफ 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। अगर आपको किसी भी, आपको 1 mole दिया गया, आपको 1 mole सब्सटेंस दिया गया, उसका मास किसमें है, ग्राम में है। याद कर लीजिए, अगर किसी भी चीज का मास आप, किसी भी एक मोल आपको दिया गया, 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस ग्राम, अगर 1 mole आपको दिया गया और वो किस यूनिट में मेजर किया गया है, वो ग्राम में मेजर किया गया है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे बोल देंगे कि आप मोलर मास है, आप किसी भी चीज के मोलर मास है, अगर वो मास कैसा है, ग्राम में है। याद कर लीजिए, किसी भी चीज का मोलर मास हमेशा ग्राम में होगा। मोलर मास की यूनिट क्या होगी, इधर लिखे दे रहे हैं, मोलर मास की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम होगी, ठीक है। उसके बाद फिर परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, क्या आप बताइए परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। परसेंटेज कंपोजिशन नाम से सुन रहा है कि इसमें कुछ किसी चीज का परसेंटेज का कंपोजिशन हमसे पूछेंगे कि ये अगर इतना ग्राम है तो इसमें इसका परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो वही परसेंटेज कंपोजिशन, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट अगर हमें निकालना है,
किसी सब्सटेंस में, किसी सब्सटेंस में हमें मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हम देखेंगे कि उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है। एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, सॉरी एक कंपाउंड होगा, एक कंपाउंड होगा, उसमें देख लेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट का हमें मास कितना दिया गया है। उसके बाद फिर हम देखेंगे उस टोटल कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा, ठीक है, उस टोटल कंपाउंड का मोलर मास देख लेंगे। मोलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास लेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमें मोलर मास मिल जाएगा। और जब हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे, किसी भी चीज को जब 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मास परसेंटेज मिल जाता है। तो वही करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या बताया गया है, उसके बाद फिर हमें इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला के बारे में बताया गया है। तो सुनिए, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इंपीरिकल फॉर्मूला मतलब अगर हम किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दे तो उसे हमने क्या कह दिया, उसे हमने कह दिया इंपीरिकल फॉर्मूला। मतलब जैसे हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसमें 6 कार्बन आइटम होंगे, 12 हाइड्रोजन आइटम होंगे और ऑक्सीजन के 6 आइटम होंगे। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे को C6H12O6 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये 6 कट गया, ये 6 को 12 को जब 6 से डिवाइड किया तो 2 बचा, और इसको जब किया 6 को 6 से तो 1 बचा, तो वही मिला CH2O मिला हमें, ठीक है। इसके बारे में इसमें एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी बताया गया है, सुनिएगा क्या बताया गया है, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे बेस्ड है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया, एक कंपाउंड है जिसमें प्रॉब्लम नंबर 1.2 पेज नंबर 16, ए कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन एंड 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन, इट्स मोलर मास इसमें आपको दे दिया गया और इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले चीजों को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप हाइड्रोजन के मोल्स निकालेंगे, मास आपको दिया गया है कितना 4.07, तो आप इसके मॉलिक्यूलर मास से हमने बताया भी, ठीक है, कि मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए आप मास अपॉन मोलर मास कर देंगे, तो मास इसमें दिया गया है 4.07 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1.008, तो यहां से हमको मिल जाएगा 4.04 मोल्स मिल जाएंगे। इसी तरह हमने मोल्स ऑफ कार्बन निकालिए मास अपॉन मोलर मास करके तो 2.021 आ गया, और मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालिए तो मास अपॉन मोलर मास तो 2.022 बन आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर स्टेप 3 में आपको बताया गया कि डिवाइड द मोल वैल्यू अबाउट द स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि जो आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिला, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है कि मोल्स ऑफ कार्बन है कि मोल्स ऑफ क्लोरीन है, तो मोल्स ऑफ कार्बन और क्लोरीन दोनों इक्वल है तो हम 4.04 को 2.02 से डिवाइड करेंगे, और इसी तरह मोल्स ऑफ कार्बन को भी 2.021 अपॉन 2.021 से करेंगे, मोल्स ऑफ क्लोरीन को भी 2.021 अपॉन 2.021 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे 2, मोल्स ऑफ कार्बन मिलेगा 1 और मोल्स ऑफ क्लोरीन मिलेगा 1, ठीक है। तो यहां से जो कंपाउंड का फॉर्मूला बना, जो कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला बना, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में जो बना वो मिला HCl। देखिए यहां पे हम लिखे दे रहे हैं H:C:Cl, इसमें क्या बताया गया 2:1:1 का रेशियो है, 2:1:1 का रेशियो है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, कार्बन के 1 और क्लोरीन के 1 एटम है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने क्या बताया कि CH2Cl क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया, CH2Cl इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि इसका मोलर मास कितना है 98.96, और हमने जो इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला, मतलब CH2Cl जो निकाला, जो इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला उसका मोलर मास ले लिया और उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया,
ठीक है, मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें 2 आ जाता है, हमें 2 मिल जाता है। और बस अब आप इनको जो इंपीरिकल फॉर्मूला था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आगे क्या बताया गया, इस तरह आगे फिर हमें लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताया गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, या हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप हमसे वहां पूछ लीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में क्या बताया गया, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम लिमिट्स, आप बहुत ही आसान टर्म बताया गया लिमिटिंग रिएजेंट, इसका क्या मतलब है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये हुआ कि हमने हमने एक क्या किया कि हमें एक कंपाउंड पता था, हमें हमें पता था कि ये दो कंपाउंड जब मिलेंगे आपस में तो रिएक्शन में कुछ बनेगा। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ कि जो एक रिएक्टेंट था वो जल्दी ही खत्म हो गया, वो रिएक्टेंट जल्दी ही खत्म हो गया। ठीक है, मतलब जैसे ये एक रिएक्शन दी गई हुई, इसमें हमें ये दिया गया है 10 ग्राम और ये दिया गया है 5 ग्राम और इसी तरह। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद ये कम है तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, वहीं रिएक्शन रुक जाएगी। तो इस जो कंपाउंड खत्म हो गया जल्दी ही, मतलब खत्म हो गया, लिमिट में था। हमने क्या कहा, हमने कहा कि लिमिट में था, इसकी एक लिमिटेशन थी कि इसके बाद फिर रिएक्शन होगी ही नहीं और वहीं से रिएक्शन खत्म हो जाती है। तो उस सब्सटेंस को हमने लिमिटिंग रिएजेंट का नाम दे दिया। ठीक है, आगे क्या बताया गया, रिएक्शन इन सोल्यूशन मास परसेंट, कभी भी अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मास परसेंट निकालने को आता है तो आप मास ऑफ सोल्यूट लेंगे, सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, कैसे समझे क्या सोल्यूट है और क्या सॉल्वेंट। वाह भाई वाह। ठीक है, तो सुनिए, आपको एक सोल्यूशन दे दिया गया, सोल्यूशन मतलब उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है तो जो कम होगा उसे हमने सोल्यूट कह दिया, जो कम होगा उसे हमने सोल्यूट कह दिया और जो ज्यादा होगा उसे हमने सॉल्वेंट कह दिया। जो कम होगा उसे हमने सोल्यूट कह दिया, मतलब हमने पानी में चीनी को डाला, चीनी कम थी तो चीनी क्या हो गई, सोल्यूट हो गई, चीनी क्या हो गई, सोल्यूट हो गई। सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, पानी सॉल्वेंट हो गया और जो हमें शरबत मिला पानी और चीनी का घोल मिला उसे हमने क्या कह दिया कि भाई आप तो सोल्यूशन हो, आप क्या हो, आप सोल्यूशन हो। ठीक है, तो क्या बताया गया आगे सुनिए, इसी तरह मोल फ्रैक्शन, अगर आपको मोल्स का फ्रैक्शन चाहिए कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको ए का निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, ए के मोल्स ऊपर रख दीजिए और नीचे टोटल मोल्स रख दीजिए, ए और बी के मोल्स नीचे रख दीजिए। इसी तरह अगर आपको मोल फ्रैक्शन बी के निकालने हुए तो आपने क्या किया, बी के मोल्स ऊपर रख दिए, एन बी मतलब मोल्स ऑफ बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, दोनों के मोल्स नीचे रख दीजिए। फिर आपको मोलैरिटी के बारे में बताया गया कि आप मोलैरिटी किसी सब्सटेंस की कैसे निकालेंगे, तो मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, जो प्रोसीजर है, वो क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हमने देखा, हमने किसी भी चीज की, हमें कहा गया कि आप इसकी मोलैरिटी निकालिए, तो हमने कहा कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, हमने उस सब्सटेंस का 1 लीटर ले लिया, और फिर हमने देखा कि उसमें उसके कितने मोल्स हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं पर लीटर सॉल्यूशन में, एक लीटर सॉल्यूशन में नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने होंगे उसी को हमने मोलैरिटी कह दिया। और इसका क्या सिंबल क्या है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, फार्मूला बन जाता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा वो कैसा होगा, लीटर में होगा, मिलीलीटर में नहीं होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, लीटर में होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मोलैरिटी के बारे में बताया गया है, ये मोलैरिटी है, इसमें बताया गया इट इज डिफाइंड एज नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, इसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि इट इज डिफाइंड एज नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, और स्मॉल एम से डिनोट किया, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, ध्यान से देखिए,
मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, और वो भी किस चीज में होगा, किलोग्राम में होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होगा। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, देख लीजिए, आराम से नोट्स बना लीजिए पूरे। उसके बाद पे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में बताया गया, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यहाँ से चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन एक टॉपिक और है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में क्या बताया जाता है कि आपको ये CH4 एक कंपाउंड पता है, आपको एक CH4 कंपाउंड पता है, लेकिन क्या आपको 2O2 एक कंपाउंड पता है? तो आप कहेंगे अरे 2O2 कैसा कंपाउंड है? तो आप कहेंगे अरे आप झूठ बोल रहे हो, 2O2 कोई कंपाउंड नहीं होता। तो बताया गया कि आपको एक ऑक्सीजन के पहले या इसी तरह H2O के पहले एक कोएफिशिएंट मिलेगा। कोएफिशिएंट मतलब उस कंपाउंड के पहले लगने वाला नंबर, उस कंपाउंड के पहले लगने वाला नंबर, उसको हमने क्या बोल दिया, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्यों लगाए, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने 1 मोल ऑफ CH4 को लिया तो ये किससे रिएक्ट करता है, 1 मोल ऑफ CH4 जब 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, 1 मोल ऑफ CH4 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 और H2O मिलेगा, CO2 और 2 मोल्स ऑफ H2O मिलेगा, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।